एफटीआईआई के अध्यक्ष गजेंद्र चौहान आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। एफटीआईआई के अध्यक्ष बनने के बाद संघ प्रमुख से गजेंद्र चौहान की ये पहली मुलाकात है। गजेंद्र चौहान की नियुक्ति शुरू से ही विवादों में रही है। विपक्ष का आरोप रहा है कि संघ के इशारे पर यह नियुक्ति की गई है। गजेंद्र चौहान का ये दौरा काफी गोपनीय रखा गया था। जानकारी जो मिली उसके मुताबिक चौहान का मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तय कार्यक्रम है। वहां जाने से पहले वो मोहन भागवत से मिलने पहुंचे और इस मौके पर गजेंद्र चौहान ने कहा कि मेरी नियुक्ति आरएसएस के कहने पर नहीं हुई है। मैं नागपुर दौरे पर आया था और संघ प्रमुख को मैं पिता की तरह मानता हूं। मेरे बेटे की शादी है, इसलिए मैं संघ प्रमुख को न्योता देने के लिए आया था। संघ प्रमुख से उनकी ये मुलाकात लगभग आधा घंटे तक चली है। वो मेरे पिता तुल्य हैं और घर में एक खुशी की लहर है मेरे घर में, जहां मेरे बेटे की शादी फिक्स हुई है। तो मैं उसका जो कैंपेन है, अपनी पार्टी के जितने लोगों को भी इनविटेशन जाएगा, उसमें मैं शुरू करना चाहता था भागवत जी से। तो मेरे सौभाग्य डबल हुआ कि आज मुझे यहां आना भी हुआ और इनविटेशन लेके मैं यहां आया हूं और भागवत जी से मैंने उसकी शुरुआत की।